Hey guys, welcome to this video. So in this video, I'm going to discuss the educational qualification. ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से student ये exam लिख सकते हैं 3 year Maharashtra CET law का. So ये जो information है, ये brochure में है. और ये जो brochure है 2021 का, ये आ चुका है. अगर आपने अभी तक download नहीं किया है, तो अब इसको download कर लीजिए. एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए. इसके link description box में है. या फिर आप जहाँ पे form filling start हो रहा है, जहाँ पे आपको form filling करना है, उसी website पे आपको ये देखने को मिलेगा. ठीक है? So page number 5, educational qualification. जितने भी students ने graduation किया हुआ है या फिर post graduation किया हुआ है, okay, जिनके पास degree है और aggregate mark 45% के ऊपर है, 45% या फिर 45% के ऊपर होगा तो you are eligible. ठीक है? तो चाहे आप general category which is open category में हो या फिर all India candidature type हो, चाहे OMS हो, EWS, SCBC candidate हो महाराष्ट्र के, तो आपका 45% होना चाहिए degree में. एंड अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स होना चाहिए. और जो स्टूडेंट्स बीजेएनटी एसबीसी ओबीसी में आते हैं, उनका 42% मार्क्स ग्रेजुएशन में एग्रीगेट होगा तो दे आर एलिजिबल. ठीक है? ये आपका पहला चीज. सेकंड, क्या जो स्टूडेंट्स अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं? यस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी अपीयरिंग है, मतलब जो आपका लास्ट ईयर ऑफ डिग्री है, अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो आप लास्ट ईयर का आप या तो एग्जाम दे देने होने चाहिए ताकि आपका सिर्फ रिजल्ट पेंडिंग हो, तो आप ये एग्जाम लिख सकते हो. ठीक है? प्रोवाइडेड आपका जो एडमिशन प्रोसेस जब चलेगा तब आपके पास या तो डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए या फिर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो वहां पर आपको दिखाना या फिर सबमिट करना ही होगा. ठीक है? एंड एक और चीज, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो इसी सिक्वेंस में होना चाहिए, 10+2+3. ओके, मतलब पहले आपने 10वीं किया होना चाहिए, फिर 12th जो 2 साल का होता है, फिर आपकी 3 साल की डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो या तो वो 2 साल का रहा होगा या फिर 3 साल का रहा होगा. और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा नहीं चलता, आपको डिग्री ही होनी चाहिए. ठीक है? 10+2+3 यहाँ पे अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो, एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो. तो ये ब्रोशर आप इसको डाउनलोड कीजिए ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए. और एक और चीज, यहाँ पे जो चीजें हैं वो राउंड ऑफ पे नहीं चलती. राउंड ऑफ मतलब है अगर 45% आपके पास है तो वो 45.0 के ऊपर ही होना चाहिए. ओके, वो 44.99 अगर होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है? तो ये आप चीजें ध्यान दीजिएगा. तो इसको आप एक बार डाउनलोड कीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए. अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिए. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वीडियो लेक्चर्स या फिर ई बुक्स, बुक्स, टेस्ट पैकेजेस हमारे ऐप के अंदर हैं. आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप कोई भी कोर्सेस आप ले सकते हो. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइव क्लास, देन वी आर स्टार्टिंग 1 month क्रैश कोर्स फ्रॉम 20th of July. 20 तारीख से वी आर स्टार्टिंग अ 1 month क्रैश कोर्स. उसके बारे में जानने के लिए जस्ट कॉन्टैक्ट अस. हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू सो मच.